माँ भवानी, स्वागत है दोस्तों आप सबका आपकी YouTube चैनल लोधी रिएक्शन में। मैं अनिल सिंह राजपूत हाजिर हूँ फिर एक वीडियो लेके, और आज का हमारा टॉपिक है ये। आज हम बात करने वाले हैं रावणा राजपूत के ऊपर। हम जानेंगे रावणा राजपूत की उत्पत्ति कैसी हुई, इनका इतिहास क्या रहा है, और आज के समय में इनकी स्थिति क्या है। तो चलिए, रियासत काल में राजा, राणा आदि शासकीय उपाधियों की तरह राव भी राजवर्गीय उपाधि थी। राव उपाधि से रावत, रावल, रावणा आदि कई जातियां बनी। राव शब्द के साथ ना प्रत्यय जुड़ने से राव और ना से रावणा शब्द बना। रावणा राजपूत मीमांसा नामक पुस्तक में ठाकुर जय सिंह बघेला लिखते हैं, रावणा शब्द का अर्थ राजपूत, क्षत्रियत्व बोधक, समूह के वर्ण बोध का अर्थ लगाया जाता है, और ना का अर्थ भावाचक माने तो राजपूती भाव वाला, क्रियावाचक माने तो रवोक्त क्रिया वाला, और जातिवाचक माने तो राजपूत जाति वाला होता है। अतः उपरोक्त बनावटों पर ध्यान दें तो रावणा शब्द राजपूत शब्द का पर्यायवाची ही सिद्ध होता है। राजपूत वंशावली पुस्तक में रावणा राजपूतों के बारे में इस प्रकार वर्णन किया गया है, रावणा राजपूत एक उपक्षत्रिय है जो सामंत काल में भूमि न रहने से पर्दा कायम न रख सके, और अन्य राजपूत जो शासक व जमींदार या जागीरदार थे उन्होंने इन्हें निम्न दृष्टि से देख इन पर सामाजिक एवं शारीरिक अत्याचार किए तथा इन पर विभिन्न प्रथाओं को कायम कर इनका सामाजिक शोषण किया। कालांतर में राजपूत जाति में भी अनेक जातियां निकली। उस व्यवस्था में रावणा राजपूत नाम की जाति राजपूत जाति में से निकलने वाली अंतिम मानी जाती है, जिसकी पहचान के पूर्व नाम दरोगा, हजरी, वजीर आदि पद सूचक नाम है। रावणा शब्द का अर्थ राव और वर्ण से है, अर्थात योद्धा जाति, यानी कि राजाओं व सामंतों के शासन की सुरक्षा करने वाली एकमात्र जाति, जिसे रावणा राजपूत नाम से जाना जाए। इस नाम की शुरुआत तत्कालीन मारवाड़ की रियासत के रिजेंसर प्रताप सिंह राय बहादुर के संरक्षण में जोधपुर नगर के पूर्वियों के बौस में सन 1912 में हुई है, जिस समय इस जाति के अनेकानेक लोग मारवाड़ रियासत के रिजेंस के शासन और प्रशासन में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रहे थे। उल्लेखनीय है कि ना प्रत्यय से पुष्कर और ना से पुष्करणा, बाप और ना से बापरा आदि अनेक जाति वाचक संज्ञाएं बनी हैं, जो राजपूत जाति की शाखाएं हैं। राजपूतों की रावणा शाखा वस्तुतः विभिन्न राजवंशों का समूह है। विभिन्न राजवंशों के राव शासक मुस्लिम शासकों से निरंतर संघर्ष करते हुए राज्यहीन हो गए। उनकी संतानें मुस्लिम साम्राज्य के अधीनस्थ राजपूत रियासतों में दरोगा पदों पर नियुक्त हुए। ठाकुर जय सिंह बघेला के अनुसार दरोगा डिपार्टमेंट के अफसर को कहा जाता था, इस कारण रावणा दरोगा भी कहे जाने लगे। रावणा जाति में अनूप दास नामक समाज सुधारक संत हुए। उनकी प्रेरणा से रावणा जाति में विधवा विवाह, पर्दा प्रथा उन्मूलन आदि सुधार प्रवृत्तियों की शुरुआत हुई। फलस्वरूप रूढ़िवादी समृद्ध व प्रभावशाली राजपूत समाज में रावणा समाज के प्रति लगाव में कमी आई, किंतु गरीब राजपूतों का रावणा समाज में अधिकाधिक प्रवेश होने से इस समाज की संख्या तेजी से बढ़ी। हैसियत आधारित सगपण भी गरीब राजपूतों की रावणा समाज के प्रति उन्मुखता का कारण रहा। मारवाड़ राज रिपोर्ट सन 1891 खंडों में लिखा है, दश ऊंचा सगपण बड़ी हैसियत वाले से बन पड़ता है, ज्यो ज्यो गरीब होता जाता है त्यों त्यों उसका संबंध नीचे होता जाता है, यहाँ तक कि नातरायत के दर्जे में पहुँच जाता है। लेकिन जब फिर तरक्की करने लगता है और बढ़ता बढ़ता जागीरदार हो जाता है, तब वह अपनी बेटी को फिर उन्हीं गणायतों समृद्ध राजपूतों में परना सकते हैं जिन्होंने उसे त्याग दिया था। इस प्रकार रावणा आर्थिक तौर पर कमजोर तथा गणायत आर्थिक तौर पर समृद्ध के बीच केवल आर्थिक भेद है, यह अलग जाति नहीं है।